हे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त आकाश कस्तूरी है। तो गाइज, ये जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि क्योंकि आ रहा है करवा चौथ और उसी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। मेरे बिना अकेले अकेले हाँ, ये तो ऐसा फेस्टिवल है, मेरे बिना हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। तो गाइज, ऐसा है कि ये वाला फेस्टिवल तो बिना वाइफ के हो ही नहीं सकता। तो चलो, सबसे पहले हम जा रहे हैं मैडम को शॉपिंग कराने थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद जाना है इनको मेहंदी लगवाने, पार्लर भी जाना। ठीक है, जो भी इनकी फरमाइशें पूरी करते हैं। बाकी आप ये वाला ब्लॉग इंजॉय करना और साथ बने रहना। हाँ, हमारे पिछली बार भी बहुत ज्यादा इंजॉय किया था, हमारा सेकंड करवा चौथ। हाँ, जो हमारा फर्स्ट करवा चौथ था बहुत ज्यादा हमने इंजॉय किया था, उसको भी आप देखना, मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी इसको भी हम वैसे ही और भी ज्यादा इंजॉय करेंगे, तो बने रहना इस ब्लॉग में। चलिए गाइस, सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर और मैडम लगाएंगी मेहंदी। इस बार हमारा मजा डबल हो गया है, इस बार हम अकेले नहीं आए मेहंदी लगाने, मम्मी को भी साथ लेके आए हैं। गाइस देखो, मेहंदी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, देखो इसको खाना है, टिक्की खानी है। तो गाइस, दोनों मैडमें कर रही हैं और लगवा रही है मेहंदी और हम कर रहे हैं उनकी सेवा। अभी टिक्की लेके आया, उन्हें खिलाता हूँ और बाकी इनके फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह सब पकड़ने का जिम्मा मेरा है और इन तैयार करने का भी। परेशान है मेहंदी का डिजाइन ढूंढते हुए भैया को दिखाने के लिए, भैया बिजी हैं। मैं तो ऑलरेडी लगा हुआ। देखो ये परेशान आदमी हर जगह जा जा के देख रहा है कि कहाँ पे डिजाइन अच्छा है, इसको पसंद नहीं आ रहा कहीं पे भी। सरप्राइज, मुझे मेहंदी का सरप्राइज मिला। गाइस हमने क्या किया, मम्मी को सरप्राइज दिया कि मम्मी को हमने फटाफट से ना स्कूटी बैठा के लिया है कि एक मिनट आओ जल्दी है, कहीं लेके जाना है, और इन्हें यहाँ लिया है और मेहंदी लगवा दी। मेहंदी लगी बहुत प्यारी थी, ऑसम ऑसम। और बाकी इनको देखो, इनका तो नंबर ही नहीं आया अभी तक, नंबर ही नहीं आया इनका। मेहंदी लग चुकी है, प्रिया की बारी है। तो गाइस कितने मजे आ रहे हैं इनके, पिकनिक हो रहा है इनका यहाँ पे। जितने ही मजे कर रहे हैं और अब मैं घर जाऊँगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की तो मेहंदी लगवा दी, तो घर पे काम कौन करेगा हमारे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या, आज घर पे काम हम करेंगे। गाइस मेहंदी लगाने में तो टाइम लग रहा है, तो सोचा जूस पी लिया जाए। अभी टिक्की खिलाई है उन्हें, बर्गर खिलाया है, अब जूस बनवाने के लिए लाया हूँ मैं, मतलब मैं आया हूँ जूस बनवाने के लिए, तो इतना जूस बनता है। किटी पार्टी सेवा करवा रही हो मेरे से, रानी महारानियों की तरह। एक दिन मेरा बनता है। ये तो है।
चेस्ट। फाइनली प्रिया की मेहंदी लग चुकी है, अब हम जा रहे हैं घर। रात के बज गए हैं पौने बारह, रात के बज गए पौने बारह, घर पे हम जाएंगे और सो जाएंगे। पर डांट भी तो पड़ेगी। नहीं, नो एंट्री डांट की आज। अब तक डांट होती कोई चीज होती ना, पापा की कॉल पे कॉल आ जाते, और पापा ने एक कॉल नहीं करा। पापा ने मेहंदी लगाने गए, आज पापा के ऊपर बच्चे छोड़ दिए। तो मम्मी बताओ, आज जो मैंने तुम्हारी सेवा पानी करी वो कैसी लगी? ऑसम। खाने पीने में कोई कमी? पहले टिक्की खाई, फिर बर्गर खाया, फिर जूस लिया। मजा आ गए? आ जाता काटी। और दूसरे मैडम से ही पूछते हैं कि उनको हमने जो सेवा पानी करी कैसे लगी, कैसे लगी आज हमारी सेवा पानी? हमेशा की तरह एकदम बढ़िया। तेज बोलो थोड़ा। हमेशा की तरह एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम से। मजा आया? ऐसी करना, कीप ग्रोइंग। मेहंदी दिखाओ कैसे लगी है। मेरा नाम भी लिखवा है। डबल ई भी लगाया, बहुत बढ़िया। चलो दोनों दिखाओ अपनी मेहंदी, दोनों साथ में। चलो अब गाइस घर चलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, जैसे कि आपने इस व्लॉग में देखा था कि हम मेहंदी वगैरह लगवा के आए थे, और फिर बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, तो फिर आराम से घर आके सो गए थे। तो आज है करवा चौथ, और आज इसको फिर सेलिब्रेट करेंगे जैसे पिछले साल किया था। तुम्हारे बिना नहीं हो सकता ये व्लॉग, तो तुम्हारे बिना अधूरा है। मैडम का है फास्ट, और हाँ इसलिए मैडम जी, तो अभी से स्लो नहीं जाना, थोड़ा सा चार्ज रहो यार, एक्टिव रहो। तो वैसे अभी तो हम जा रहे हैं अपने ऑफिस, दोनों ऑफिस आने के बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वर्क इज वॉश। तो गाइस मिलते हैं जल्दी आपसे, बाय। तो गाइज हमारी पूजा हो चुकी है, हमने अभी पूजा करके अब खाने की तैयारी करेंगे, और पापा और ये आने वाले, देखते हम दोनों को देख के उनका रिएक्शन कैसा होगा। हमने पहले, अब उसके बाद हमने क्या किया, पहले हम आए ऑफिस से, आई मैं, आने के बाद जल्दी से तैयार हुई, तैयार होने के बाद बहुत लेट हो गई थी मैं, तो फिर आके हमने पूजा की तैयारी की, सूर्य देव को अर्घ दिया, फिर उसके बाद पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं। अब हमें थोड़ा टाइम मिला है, वो भी खाना बनाने के लिए। अब हम क्या बनाने वाले, जल्दी जल्दी से खाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मैं खुद पूजा की तैयारी, प्रिया बनाएगी खाना, गोभी आलू मटर पनीर रायता खीर और पूड़ी, जो कि मम्मी के लिए थाली निकालनी है। अभी मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है, आप हमारे साथ बने रहना, अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं।
थोड़ा हम सोचे जल्दी से फ्री हो जाएंगे तो हम सब साथ में बैठ के इंजॉय करेंगे, बहुत कुछ प्लान किया है हम लोगों ने, तो देखते आगे क्या होता है। तो गाइज अभी वो आने वाले हैं, हमारी सारी तैयारी, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। मुझे और मम्मी को देख के अभी फ़ोन किया था मैंने, वो बस ऑन द वे है, देखते हैं उनका रिएक्शन। मैं आपको पूरा फुल दिखाती हूँ, आप देखते रहिए। मम्मी भी तैयार हुई क्या? मम्मी काओ काओ। सो गाइज ऑफिस से आने में तो मुझे हो गया लेट, और देखो ये दोनों मेरा बहुत इंतजार कर रहे थे, और इन दोनों को देख के मैं हो गया शॉक, क्योंकि अच्छे से रेडी हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे को भी तैयार होने की नीड है, तो मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, है ना। देखिए जी गाइस हम कैसे लग रहे हैं, बाकी आप पिछले साल भी पूछा था आप लोगों ने बताया नहीं कैसा है लोगों ने बताया था, बाकी अगर किसी ने हमारा पुराना ब्लॉग नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट ईयर का, सॉरी लास्ट ईयर का ब्लॉग। हे दोस्तों, तो मैं भी हो गया हूँ रेडी, देखिए मैंने पहना है वाइट कुर्ता, और हम लग गई हमारे यहाँ, मतलब जब शाम के टाइम पूजा होती है तो खाना निकलता है, साल के लिए खाना निकालते करुए में ना, जिससे हम जल चढ़ाएंगे, और दिया अपना चालू करो, दिया जला अपना। मम्मी और प्रिया ने ना पूजा कर रहे हैं, और मैं भी इनके साथ ही बैठ गया। ये सारी जो हम स्टोरी सुन रहे थे वो, तो गाइस आज करवा चौथ के लिए मैंने बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रखा था, मम्मी दादी चाची सबके लिए, कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा कुछ दूंगी। अब देखते हैं नीचे मैंने सबको इकट्ठा करा है कि कैसा लगता है सबको मेरा दिया हुआ सामान। मम्मी ने मुझसे बहुत पूछा कि कुछ है तेरा, कुछ है तेरा, शायद इसकी मेरे को डांट भी पड़ जाए, तो पर देखते हैं उन्हें कैसा लगता है। चलते हैं, दादी मम्मी चाची सबका रिएक्शन देखेंगे। ये देखिए हमारे पीछे आ रहे हैं सेवक साहब, सेवक सामान लेते हुए। खाना पीना कर भैया तुम दोनों, भैया और क्या, तुम भी खा लो यार, तुम खा लो। हम तो कह रहे दूधो नहाओ पूतो खलो, नौ महीने बाद जुड़वा हो जाए, बस खुशखबरी तो देनी पड़ेगी अब दोनों को। तुमने इतना क्यों खर्च करा भाई, इतना क्यों खर्च करा तुमने? आशीर्वाद, हम तो ऐसे ऐसे दे रहे हैं, हम तो ऐसे दे रहे हैं आशीर्वाद। देखो कैसा लगा, और मम्मी को साड़ी, मम्मी को साड़ी, हमारी बहू ने सूट दिए हैं, चार चार साड़ी हमारी बहू ने सूट दिया है, बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल, अब हम इसे पहनेंगे और एंजॉय करेंगे। सबको गिफ्ट मिला है, सब अपने अपने गिफ्ट खोल रहे हैं, सबको चाची को, दोनों चाची को, मम्मी को और दादी दादी को भी है। अम्मा सुना तो ये महालक्ष्मी माँ सरस्वती आशीर्वाद जिसे लेना है आ जाइए देंगे। आप तो ऐसे सोच रहे हो प्रिया ने दिया तो मुझे दे रही है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि तूने दिया तो दे रहे हैं, वो कुछ नहीं है, जरूरी थोड़ा है तू दे ना दे, फर्ज तो हमारा है। अरे क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी डाल ले हाथों में, अभी डाल ले लो भाई, ले लो चाचा ने गिफ्ट दे दिया। मैं प्रिया के लिए ना गिफ्ट लाई, पता नहीं प्रिया का रिएक्शन कैसा होगा, ये मुझे उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा ये उसको देने के बाद पता चलेगा। आ जा आशा, लो जी
मेरे पास भी इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। अरे अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। दिखाने क्या मिला? मेरी भी आमदनी हो गई। देखो गाइस पापा है, पापा भी देंगे देखना। और क्या? मैचिंग मैचिंग। तो गाइस पापा एक गिफ्ट लेके आए मम्मी के लिए, हम भी आपको दिखाते हैं क्या लेके आए हैं। बहुत ज्यादा मस्त है, जरा दिखाना। ये लगाएंगे पापा मम्मी को, दिखाना। मैं भी प्रिया के लगाऊंगा ना, एक टाइट सी मारना पापा, बस एक और मार दो। 28 साल का दोस्त है। दिखाना मम्मी। ओहो बहुत बढ़िया। सो गाइस अब मैं प्रिया के लगाता हूँ गजरा बालों पे, जैसे मैं सीख के आया हूँ वैसे लगाता हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला काम है भाई ये तो। थोड़ा सा टाइम बचा है, मैंने सबको गिफ्ट दे दिया। अभी मेरी मम्मी के लिए, हम उन्हें देने के लिए जा रहे हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है चलो गाइस चलते हैं हम अपने सासू माँ को गिफ्ट देने के लिए। तो गाइस देखो हम आ गए, मम्मी बची थी मेरी मम्मी को देने के लिए। चलो टड़ा, बड़े जल्दी जल्दी भाग के आ गया, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के आ गया मैं अपने आपके यहाँ पे। मैं आ चुका हूँ अपनी छत पर और अभी तो चांद दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चांद अभी निकला नहीं है, हम घूम घूम कर टाइम पास कर रहे हैं। अब आने लगे चक्कर तो। अब हमारा सर घूम रहा है, जल्दी से चंदा मामा आइए। मॉर्निंग से हो गई है रात, चांद मामा आए नहीं अभी और मैडम हो गई थक। इन्होंने आज बहुत सारा काम किया, तैयार हुए, खाना बहुत सारा बनाया, सबको गिफ्ट्स बांटे, ऑफिस भी गए और देखो फोटो शूट भी चल रहा है। फॉलो मी। दिख चुका है और सारी पब्लिक हो गई है पागल। कहाँ है? मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ। ओए भाई लाल बल्ब दिख गया। चलो भाई पर अभी कौन से बाहर है, अभी सिग्नल नहीं आ रहा है। सिग्नल नहीं आ रहा, अभी शांति से आ रहा है, अभी दो मिनट। भाई की खुशी देखो। तो गाइस फाइनली हमने व्रत खोल लिया, सारी चीजें हो चुकी है। अब बस खाना खाना है, भूख लग गई है। तो गाइस आपने भी वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा और ऐसे ही इस ब्लॉग में बने रहना और हमें सपोर्ट करते रहना कस्तूरिया ब्लॉग को। बाय।